तुमसे अपनी बात नहीं करता, मेरा नबी तुमने अपनी मेरी किताब की तिलावत करके तुम्हारे दिलों की जरूरत को दूर करता है और जवाब मेरा छप जाता है वहां पर अल्लाह का दूर है। अब हम लोग पहला काम देखिए, रबीउल अव्वल शरीफ की आमद है, आज पहला दिन है और इसके बाद रबीउल अव्वल शरीफ के हवाला से अहले ईमान के अंदर बहुत खुशी और सरत का इजहार है। हर बंदा अपने अपने विश्वास के मुताबिक अपनी अपनी ताकत के मुताबिक वो खुशी भी मनाता है, खुशियां भी करता है, अपने आप को अल्लाह ताला की मोहब्बत में अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में रंग भी देता है। लेकिन मैं सिर्फ एक अर्ज करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर लोगों का एक रकब है दुआ, एक रकब है यासीन, एक रकब है मुद्दसिर, एक रकब है मुद्दसिर, एक रकब है मुजम्मिल, मेरे करीब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक रकब है राहुल, मेरे हुजूर का एक रकब है लबीब, ये अल्लाह मेरे करीब नबी के और एक रकब मेरे नबी का रहमत लिल आलमीन है। क्या है रहमत लिल आलमीन है। तो बाब के वकार क्या सिर्फ हमने इस्तिक़बाल नबी अव्वल हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तिक़बाल सिर्फ यूं करना है कि हम इस मिशन को जो मिशन हुज़ूर लेकर आए उसको भूल जाए, सिर्फ एक महीने हुज़ूर की मोहब्बत में अपने आप को पेश रखें और उसके बाद मिशन खत्म हो जाए। नहीं मेरे दोस्त, एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, आप बात अगर समझ गए तो आपको पता चलेगा कि मेरे महबूब सिर्फ रबीउल अव्वल में रहमत नहीं है। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। सिर्फ इस दुनिया में रहमत नहीं है, इस दुनिया में आने से पहले अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आलमीन छोटे से जवाब के बंदे से पूछे कि आलम कितने, तो वो कहते दो है, एक आलम है दुनिया है, एक आलम है आखिरत है। फिर से और किसी बंदे से पूछे वो कहता है मुझे पता है आलम चार है, मेरे को कौन सा आलम, कहता है एक आलम है अरवाह है, जब हम यहाँ नहीं थे तो रूह की दुनिया में थे, दूसरा आलम आलम है बदर है माँ के पेट में, तो पता ये चला हुजूर उस आलम के लिए भी रहमत है, हुजूर इस आलम के लिए भी रहमत है। और फिर ये आलम दुनिया है जिसके अंदर कोई 40 साल जिंदगी गुजारता है, कोई 50 साल जिंदगी गुजारता है, कोई 100 साल जिंदगी गुजारता है, आखिरकार उसे इस आलम से भी जाना है, तो पता ये चला सहारा वो नहीं है जो आगे रास्ते में छोड़ कर जाए, सहारा वो नहीं है जो आपको सिर्फ आधे रास्ते पे छोड़ जाए, सहारा वो है जब तुम आदमी अरमान में थे फिर भी मिले नबी रहमत, जब तुम आदमी बदन में मां के पेट पे हो अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों कभी कुरान को पढ़ो तुम्हें पता चले अल्लाह ताला अपने बंदों से कितना प्यार करता है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया अल्लाह वो है जिसने तुम्हें एक नुतफा से पैदा किया, सुम्मा सुम्मा फिर उसके बाद उसने तुम्हारा गोचरा बनाया, फिर गोचरे से गोश्त का टुकड़ा बनाया, फिर गोश्त के टुकड़े पर हड्डियां चढ़ाई, फिर हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया और फिर आखिर में फरमाया तबारक अल्लाह वसल खालिकीन, अल्लाह ने तुम्हें इतना प्यार बनाया कि बना के प्यार से खालिक तुझे यूं बोला। मेरा जवाब तो है लेकिन तेरा जवाब नहीं। अल्लाह ताला ने इस कायनात के अंदर अगर आप देखें तो ये जो आलम बदन है, ये जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का चर्चा यहाँ पर है, मैंने एक रिसर्च में ये पढ़ा है कि अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने यहाँ पर कैसे रहमत फरमाया, कैसे रहमत मनाया कि माँ जब बच्चे को उसके औलाद उम्मीद से होती है उसी वक्त से उसके बच्चे का जब नैन नक्श बनते हैं वह क्यों कहते हैं, जब पेशानी बनती है बोलो सुभान अल्लाह, जब ये अबरू बनते हैं सुभान अल्लाह, जब ये आंखें बनती है फिर ये नाक बनता है, फिर ये चेहरा सारा बनता है और चेहरे को कहते हैं वजूद, जब ये चेहरा बन जाता है फिर इस चेहरे की जो शक्ल है इसकी जो इसका जो डिस्प्ले है वो बच्चे को यूं नहीं रखा जाता सामने की तरफ चेहरा, उसका चेहरा वापस माँ के दिल की तरफ मोड़ के रखा जाता है।
साइंस आज कहती है कि हो सकता है औरत कहीं गिरे पर बच्चे का नाक खराब हो जाए, उसकी आंख जो है वो टेढ़ी हो जाए। अल्लाह कुरान कहता है, फरमाता है, सुने यार, इनको तो खबरें आज लग रही है। अल्लाह भी जो सबके रूप में दरहा में गई बयाशा, अल्लाह वो है जो मौत के रंग में तुम्हारी शक्लें बना देता है। और फिर दूर उस आदम के लिए भी रख दिया। सुभान अल्लाह, अल्लाह हु अकबर। ये है आलम बतन, फिर ये आलम आलम दुनिया। अब आप इसी वक्त इस आलम दुनिया के ऊपर देख दें, बड़े बड़े सहाबा, बड़े बड़े मुबल्लिगी, बड़े बड़े स्कॉलर, पता क्या क्या लोग दुनिया में आए, और बड़े बड़े गुनाहगार भी आए, बड़े बड़े नेकोकार भी आए, लेकिन अल्लाह करीम ने इस कायनात के अंदर अगर किसी को कामयाबी अता फरमाई है तो उसी को अता फरमाई है जिसने हुजूर को रहमत माना भी है और रहमत जाना भी है। रहमत मानना कुरान की आयत, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिलआलमीन। मैं रहमत मान जानता हूँ, मानता हूँ, कुरान का फैसला अटल है। जानता कब हूँ, जब मैं इस्तिक़बाले नबी अव्वल क्या है कि मैं अगर नमाज का आदी नहीं हूँ तो मैं नूर का इस्तिक़बाल यूँ करें, मेरे दिल में ये बात आ जाए कि सोने यार, मैं इससे पहले नमाज का आदी नहीं था, अब आपकी तशरीफ़ आवरी का मुकद्दस महीना आ गया है, हुज़ूर मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपका इस्तिक़बाल यूँ करूँ कि जिसे आपने अपने आंखों की ठंडक बनवाया है, अब दुनिया इधर ही उधर हो जाए, मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा। ये है इस्तिक़बाल नबी हुज़ूर, आप वो है कि जो लोगों के दिल जोड़ने वाले हैं, आपने दुखी दिलों के लिए उनके गम का मुदावा किया है, आकर नबी नूर शरीफ आ रहा है। मैं अगर मुझसे किसी की दिल आजारी हुई है तो नहीं आता तो ना आए, मैं उसके दरवाजे पर चल के जाऊंगा, उसे बताऊंगा उस नबी रहमत की मुकद्दस आदत का महीना आया है कि जो नबी रहमत लोगों के दिलों को जोड़ने के लिए आए। और फिर एक चीज जो ये मिंबर से पहना भी जा सकता है बाकी आप तो उसका बात फिर इस पर तवज्जो फरमाइएगा कि हमारे ये बच्चे माशाल्लाह पूरी पूरी रात, दो दो दिन, तीन तीन दिन वो गलियां भी सजाते हैं, वो जो है सफाई भी करते हैं, ये सारा काम मैं उन्हें साथ सलाम पेश करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये सारे काम मुस्तहब हमारे, ये आपकी मोहब्बत जरूर है, ये मुस्तहब हमारे। अगर आप बड़ा प्यारा और जिम्मेदारी से निवराज कर रहा हो, अगर आप एक गली में न सजाए, एक घर भी न सजाए, कुछ भी न करे, मेरे करीम नबी का एक फरमान ही काफी है। सुनाओ का फरमान दर आप सुभान अल्लाह तो क्या मेरे हुजूर ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे छह ऐसी खसलतें अता फरमाई हैं जो मेरे से पहले किसी नबी को नहीं मिली। उनमें से एक जो अलाकनी अल्लाह को मस्जिद व तुहूरा, मेरे आप गलियों की सफाई नहीं कर सकते, आप अपने घरों को सजा नहीं सकते, आपकी पहुंच नहीं पड़ती, तो मैं एक जुमला आज कर रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया कि जिस दिन में आया, कुछ भी नहीं करेंगे तो अल्लाह बहादुर सिंह चौधरी ने लिखा है कि जिस रात सरकार दुनिया में तशरीफ लाए उस रात के चमकते हुए सितारों को देखा करो, वो भी चमक कर बताते हैं कि हुजूर तशरीफ ला चुके हैं। लेकिन ये जितने भी काम है ये मुस्तहब में है। फिर मैं अक्सर ये सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, बच्चे हमारे गलियों में बड़े बड़े डेक लगाकर किसी ने
कवाली लगाई हुई है, किसी ने वो कोई ऐसी नात लगाई हुई है जो दफ के साथ बज रही है और गलियों में आवाजें आ रही है और नमाज पूरी है तमाम रही है। मुझे बताओ एक बच्चा जो है वो सीढ़ी लगाकर जड़िया लगा रहा है, इधर से मेरा अल्लाह उसके घर में उसका बंदा खड़े होकर याद करता है अल्लाह की बारगाह में और अल्लाह की मखलूक को दावत देता है हैया अल सदा हैया अल फला। अब मुझे बताओ कामयाबी गली में है या अल्लाह के घर में है? बोलो बोलो जरा। जो बच्चा अपने साझा नफ्स में बातें कर रहे हैं, जो बच्चा रात में भी शाम की नमाज पढ़ के सो जाए, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक और सुबह नमाज फजर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अदा फरमाए, अल्लाह अकबर एक जुमला दे रहा हूं तो जो फरमाइएगा, उसने तकबीर तहरीमा कही, जुबान से ये कह रहा है, दिल कह रहा है, मैं कौन था, मुझे क्या पता था अल्लाह अकबर कौन है, सोना आया मुझे ये अल्लाह अकबर कहने का तरीका आया है, ये जब मैं खड़ा हूँ पता नहीं मैं सारी जिंदगी लोगों के सामने खड़ा रहता, हुजूर आए हैं मैं क्या कर रहा हूँ, हुजूर आए हैं मैं रुकू कर रहा हूँ, हुजूर आए हैं मैं सजदे के आराम में, और हुजूर आए हैं मुझे दर दर की ठोकरे खाने से अल्लाह ने रोक दिया है, अगर कोई डर दिखाया है क्या वो दर खुदा है या दर मुस्तफा है। तो फिर आखिरी की बात में हर रोज की बात में हुजूर का मिलाद भी होगा अल्लाह की इबादत भी होगी। बाबा जी को कहा एक और गुजारिश कर रहा हूँ खत्म कर रहा हूँ कि आप झंडियां जरूर लगाएं, आप गांवों को जरूर सजाएं, आप अपनी मोहब्बत का इजहार करें, लेकिन कोई भी ऐसी झंडी जिस पर जश्न ईद मिलाद नबी लिखा हो या जिस पर गुंबद खजरा बना हो या जिस पर नालैन पाक है उसका नक्श हो वो झंडियां गलियों में न लगाएं, वो झंडियां गलियों में न लगाएं। उसकी वजह ये है आप चौंक जाएंगे जुमला सुनकर कि आपने झंडी लगा दी है, मैंने पहले मसला कर दिया कि ये मुस्तहब अमल है, करे तो सवाब है ना करे तो कुछ कोई नहीं है, लेकिन वो झंडी जो प्रिंटेड आपने लगा दी है वो लगाना तो मुस्तहब थी, उसको बचाना फर्ज हो गया, नहीं समझे, लगाना लगाए तो ना लगाए तो कोई नहीं पूछ, अब लगा दी है तो उसका ख्याल रखना फर्ज है, एक सुलह हुदैबिया के मौका पर जब कुफार ने शर्त रखी कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला तो ठीक है मोहम्मद रसूलुल्लाह ये नाम काट दिया जाए, मौला का इनाम क्या है हुजूर सारी दुनिया जिधर भी हो जाए जो मैंने नाम मोहम्मद लिख दिया है ना इसको काट नहीं सकता, तो फिर हम अपनी जेब से पैसे देकर हम अपनी जेब से टाइम देकर हम अपनी जेब से हम अपने जो है वो बच्चों को सिर्फ लगा कर फिर वो जब दूसरे चौथे पांचवे दिन वो गलियों में फिर लटकती हुई गलियों में पड़ी हुई वो झटिया नजर आए तो फिर ये मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत नहीं है, ये आपसे पूछ होगी कि वो ना जिसके बारे में मेरा अल्लाह फरमाता है वाला फा ना ना का जिक्र कर हमने आगे जिक्र को गलत किया है कि इस उम्र में हम ना आ जाए इस पकड़ में हम ना आ जाए, मैं आपको पहले और अब भी अर्ज कर रहा जरूर गलियों को सजाए जरूर झंडियां लगाए सादा झंडियां लगाए अपने घरों को खूबसूरत बनाए अपने दिलों को खूबसूरत बनाए और अल्लाह को दबा बनाकर कि सोया अगर बजा है हमारे घर के सामने हमारी गली के सामने ये जो बाजार की झंडियां सजी हुई है इनसे हमारी गलियां हमारे घर सजे हुए हैं हमारे दिलों के अंदर तेरे यार की मोहब्बत से हमने सबसे सजाया हुआ मुझे और आपको हुजूर के इस्तकबाल के इस अंदाज में अपने आप को पेश करने की तौफीक अता फरमाए, हमारा कोई भी अमल वो अल्लाह के प्यारे कानून की मर्जी के खिलाफ ना हो, हमारा कोई भी ऐसा काम जो हम ऐसा कर रहे हैं जो
गलती की तरफ और तबाही की तरफ लेकर जाए। अल्लाह ताला हमें उससे महफूज फरमाए। अल्लाह ताला हमें की सच्ची दाने गुलामी और मोहब्बत कामिला नसीब।